हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग में आप देखेंगे, देखिए इसको देखें, ये अपना हेयर स्टाइल बना रही है, जूम कर दिखाती हूँ। देखिए सीरत क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। इसको ना अभी इतना शौक चढ़ गया है कि अपना हेयर स्टाइल बनाती रहती है, शीशे के आगे खड़े होके मेकअप करने का। अभी इसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, अप्रैल और मई, 1 जून से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये स्कूल जाएगी और फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 बजे स्कूल जाना और शाम को वापस आना। अभी घर में रहती है ना तो मन भी लगा रहता है, छुट्टियाँ हैं, फिर स्कूल जाने लग जाएगी, फिर थोड़ा सा मुझे इतना दिल नहीं लगता इसके स्कूल के जाने के बाद। घर में रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। और आपको मैं बता दूँ, हम जाएंगे कहीं घूमने कुछ दिनों के बाद, नेक्स्ट मंथ जब हम जाएंगे तो मैं वहाँ के ब्लॉग शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और जब वहाँ जाएँगे और तो वहाँ का एरिए का बहुत सुंदर वो प्लेस होगा और उसका मैं सारा ब्लॉग बनाऊंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी ब्लॉग। ओ ने उठो 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 उठो, मेरी चुंडी मुंडी जी चुच चुच चुच, उठ जा, चलो बेटा, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोलो छबी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड चुच। आज बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि किसी कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी अभी, लेकिन अब मैं फिर से डेली ब्लॉग बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी दीदी आराने तैयार हो गई है और अभी हम दोनों हैं घर में। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, इस टाइम पे वेदर अच्छा है कर्नाटक में और इतनी गर्मी भी नहीं है जितना कि नॉर्थ में होती है, उससे कुछ डिफरेंस है लेकिन फिर भी ठीक है। अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, 7:30 बज गए हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब ये तैयार हो चुकी है सीरत, ये कह रही है कि मुझे गली में खेलना है। मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, गली में मत खेलो, लेकिन इसका मन करता है गली में। वैसे तो ना बच्चों का मन करता ही है कि शाम होते ही गली में खेलने जाएं और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, तो इसको मैं कभी कभी भेज देती हूँ, लेकिन मुझे बाहर मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। जब ये गली में खेलती है मैं बाहर ही बालकनी में से देखती रहती हूँ, क्योंकि ये ना ज़रूरी भी है। इससे क्या होता है, जो बढ़ते बच्चे होते हैं अगर वो गली में खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो इससे उनकी ना जो हेल्थ अच्छी होती है, उनकी बढ़ते बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो जल्दी ग्रो करते हैं और उनके हेल्थ। मैंने इस ड्रेसिंग टेबल में जो मेरा सामान रखा है ना वो और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इधर मैंने मेरी बैंगल्स रखी हुई हैं और इधर सारी ज्वेलरी रखी हुई है, सेट करके रखी हुई है, ताकि जब किसी भी पार्टी और फंक्शंस में जाएं प्रॉब्लम नहीं होती। और इधर मैंने रखा हुआ है मेरा हेयर ड्रायर और मेरा स्ट्रेटनर, एंड इधर मैंने रखी हुई है सभी क्रीम पाउडर और जो भी डेली यूज की कॉस्मेटिक सामान होता है वो सभी होता है। और इधर सीरत के पापा का है और उधर कुछ वो भी सब जरूरत की चीज़ें हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से पता है क्या होता है कि हमें कई बार कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती जो हमारे ज़रूरत की होती हैं। अगर हम उन सब सामान को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वो हमें आसानी से मिल जाती है और कोई दिक्कत नहीं मिलती। चम्पी करो जमके रे, चम्पी करो जमके, मैं लगा रही शीतू के सिर में तेल, बहुत ज़रूरी है गाइज, आप लोग भी लगाया करिए, तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं। कैसा लग रहा है शीतू? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, आज मेरी मम्मी
लगा रही है क्योंकि आज मेरे बाल जरा अच्छे नहीं थे। कुछ बोलिए मम्मा। मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए ब्लॉग में। मम्मा मुझे दिव्यांती के पास जाना है। नीरा के साथ खेलोगे बेटा? हाँ जी मम्मा। ठीक है, आधा घंटा खेल लो, फिर उसके बाद स्टडी करनी है, ठीक है? हाँ जी मम्मा। जब सीरज आती है ना, वो इतना खुश होकर खेलती है, ऐसे हाथ पैर मारती है, बहुत खुश होती है, बहुत ही क्यूट और प्यारी बच्ची है। एक दिन मैं आपके ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। सीरज के साथ तो इतना मस्ती से खेलती है ना वो, अभी तो बहुत मोटी भी होती जा रही है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान उसको हमेशा खुश रखती है। मैंने सीरत के सिर में तेल लगा दिया, वो बहुत खुश होकर कहती है मम्मा ऐसे तेल लगाओ, ऐसे तेल लगाओ। और उसकी सुंदर सुंदर दो रबड़ बैंड लेके आई थी मम्मा, मेरी दो चोटी करना है ऐसे आगे से क्लिप निकाल के, तो मैंने उसके सिर में अच्छे से मालिश किया और तेल लगा दिया, और वो बहुत खुश है। और अभी वो खेल रही है नीचे, वो पूछ के गई है मम्मा मैं खेलने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने भी बोला कि बेटा जाओ। जब हम यहाँ पर नए नए आए थे ना, तो क्या होता था कि दिल नहीं लगता था, क्योंकि सीरत भी सुबह चली जाती थी, फिर के पापा भी चले जाते थे, तो ऐसे होता था ना अकेले अकेले अच्छा भी नहीं लगता था और दिल भी नहीं लगता था। लेकिन अब रहते रहते ना आदत पड़ गई है, और यहाँ का ना माहौल भी अच्छा ही है, तो ऐसे मन लग जाता है। तो कभी मैं दिखाऊंगी हम यहाँ पर जिस घर में रहते हैं आपको ब्लॉक में, और अच्छा है, सभी यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, अच्छे से बात करते हैं, सब अच्छे हैं। और इस ब्लॉक में मैंने आपको ये भी दिखाया कि मैंने किस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा है, और भी बहुत सारे मुझे ऑर्गेनाइज करके रखने की हैबिट है। मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में कभी, मैं किचन में कैसे सामान ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, अलमीरा में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इससे क्या होता है कि तो कहीं आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती, सामान आसानी से मिल जाता है, और हमें कहीं भी जाएँ तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि अब क्या पहने ना पहने, और वो सामान आसानी से मिल जाता है। तो रहने देते हैं आज के ब्लॉग को यहीं तक। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें।